दोस्तों स्वागत है आप सबका गेमिंग गेट 360 में। आज की वीडियो में बात करेंगे AMD रेडियन RX 5700 XT और 5700 के बारे में कि इन दोनों की जो बेंचमार्क की जो परफॉर्मेंस है वो कितनी ज़्यादा है 2060 सुपर और 2070 सुपर से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सीधे चलते हैं, पहले इन दोनों के बारे में ये देखते हैं कि इनकी प्राइसिंग क्या है और इनकी प्राइसिंग के सामने एनवीडिया का कौन सा कार्ड आता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम बात करते हैं RX 5700 के बारे में। जो RX 5700 है उसकी प्राइसिंग है $350, $350। सेम वही प्राइस है जिस प्राइस पे RTX 2060 लॉन्च हुआ था। मैं सुपर वाला मॉडल नहीं कह रहा हूँ, सिंपल RTX 2060 जो लॉन्च हुआ था वो इसी प्राइस रेंज पे हुआ था। वहीं पे बात करते हैं रेडियन RX 5700 XT, तो ये आता है $400 का, $50 और ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है XT वाले मॉडल के लिए। और इसकी सेम वही प्राइस है जिस प्राइस पे RTX 2060 सुपर लॉन्च हुआ है, $400 पे। तो अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि रेडियन 5700 को RTX 2060 के बराबर होना चाहिए था, सुपर वाले मॉडल नहीं, जो सिंपल वाला मॉडल है 2060 उसके बराबर। वहीं पे XT वाला मॉडल है वो 2060 सुपर के बराबर होना चाहिए था। लेकिन अब हम बेंचमार्क देखते हैं तो आप बहुत चौंक जाएंगे। तो हम देखते हैं Battlefield 5 के बेंचमार्क। 1440p पे बेंचमार्क लिए गए हैं अल्ट्रा क्वालिटी पे। यहाँ पे DXR ऑन है, ऑफ है, सॉरी DXR यहाँ पे ऑफ है, तब लिए गए हैं बेंचमार्क। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जब आप बेंचमार्क देखेंगे तो RTX 2060 सुपर जिसका स्कोर है 77 और 88, ठीक है, वहीं पे जो रेडियन 5700 है उसका स्कोर है 71 और 100। तो यहाँ पे 2060 सुपर को 5700 ने ही बहुत ही हरा दिया। यानी कि मान लीजिए कि जिस कार्ड पे प्राइस रेंज है $50 कम है 5700 का, $50 उसके बावजूद भी 2060 सुपर को बिल्कुल ही हरा दिया है, वो भी करीबन करीबन आप यहाँ कह सकते हैं कि 12-13 FPS से, जो कि काफ़ी बड़ा मार्जिन होता है। ठीक है, वहीं पे अगर आप 2070 सुपर देखते हैं तो 2070 सुपर के बहुत ही करीबी स्कोर हैं इसके 5700 के। वहीं बात करते हैं XT वाले मॉडल के लिए, तो XT वाले मॉडल ने यहाँ पे 2080 RTX 2080 को हरा दिया है। ठीक है दोस्तों, जो कि 60,000 का कार्ड है गाइस, 2080 RTX 2080 एक 60,000 का कार्ड है, बहुत महंगा कार्ड है, 65,000 68 इस हिसाब से कार्ड मिलता है, जो कि बहुत ही महंगा है। और यहाँ पे अगर सिर्फ 5700 XT की बात करें तो ये 35,000 का कार्ड है, 34,000 का कार्ड है। ठीक है दोस्तों, वहीं पे बात करते हैं 4K में, Battlefield 5 में 4K में। तो 4K में अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो सेम ही रहता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता है। यहाँ पे RTX 2070 को हरा देता है 5700, ठीक है, और सुपर वाला जो RTX 2070 वो थोड़ा सा ऊपर रहता है करीबन 4K FPS से। लेकिन अगर हम मिनिमम स्कोर देखें, जो कहते हैं मिनिमम FPS, 1% मिनिमम FPS जो होता है, उसमें ये कार्ड थोड़ा पीछे है। लेकिन मुझे लगता है ड्राइवर अपडेट होंगे तो यहाँ पे ये वाला स्कोर भी अच्छा हो जाएगा जो मिनिमम वाला है। ठीक है, वहीं पे अगर XT वाला मॉडल देखते हैं तो वहाँ पे 2080 और XT सेम है, बराबर स्कोर के साथ है 64, लेकिन मिनिमम FPS में जो 2080 है वो आगे है मिनिमम FPS में। लेकिन मुझे लगता है कि अभी फिर से अगर अच्छे ड्राइवर्स अपडेट होंगे तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सिक्स सीज को देख लेते हैं, रेनबो सिक्स सीज को। तो यहाँ पे जब आप स्कोर देखेंगे तो जो RTX यहाँ पे बिल्कुल ही उल्टा स्कोर है। जब आप 2060 की बात करते हैं, 2060 सुपर की, वो भी रेनबो सिक्स सीज में 1440p 100% रेंडर स्केल पे, तो 2060 सुपर और 5700 XT दोनों का ही जो स्कोर है वो बराबर सा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो XT वाला है मॉडल है वो नीचे आ जाता है परफॉर्मेंस में, वहीं पे जो 5700 है उस वो बिल्कुल बराबर आ जाता है किसके, 2060 के। ठीक है दोस्तों, इसका स्कोर करीबन 3-4 FPS के आसपास है जो गैप है।
4K की बात की जाए तो 4K में भी जो रिजल्ट्स हैं वो सेम से ही रहते हैं। जो XT वाला मॉडल है वो 2060 सुपर के आसपास रहता है और 5700 वाला मॉडल है वो 2060 के आसपास रहता है। ठीक है, वहीं पे रेसिडेंट ईवल 2 में देखते हैं। तो रेसिडेंट ईवल 2 इसमें जो स्कोर है वो फिर से थोड़े चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे XT वाला मॉडल 2070 सुपर से थोड़ा नीचे रहता है, वहीं पे जो 5700 है नॉन XT मॉडल वो 2060 से ऊपर और सुपर मॉडल से 2060 सुपर से थोड़ा सा नीचे रहता है। ठीक है दोस्तों, 4K में भी सेम ही बात रहेगी, 2070 से नीचे रहेगा और 2060 से नीचे रहेगा हल्का सा सुपर से। फोर्टनाइट में बात की जाए तो फोर्टनाइट की जब बात आती है तो फिर से थोड़ा सा निराशा होती है यहाँ पे, क्योंकि तो जो XT वाला मॉडल है वो सुपर 2060 सुपर के पास आ जाता है, वहीं पे जो 2070 है सॉरी 2060 है सिंपल मॉडल, 2060 का सिंपल वाला मॉडल जो है वो RX 5700 के पास आ जाता है। ठीक है दोस्तों, डिवीजन 2 में, ये लास्ट गेम में दिखा रहा हूँ आपको, डिवीजन 2 4040p अल्ट्रा क्वालिटी, यहाँ पे देखा जाए तो 5700 XT मॉडल 2080 Ti के पास आ जाता है, यानी कि 2070 सुपर के पास आ जाता है, थोड़ा गैप है दोनों में। वहीं पे जो नॉन XT मॉडल है यानी कि 5700 है वो 2060 सुपर के पास आ जाता है, बहुत बिल्कुल ही सेम स्कोर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं कौन सा ग्राफिक कार्ड हमें लेना चाहिए। हमें 2060 सुपर लेना चाहिए, हमें 5700 लेना चाहिए, हमें 2070 सुपर लेना चाहिए, या हमें 5700 XT लेना चाहिए। तो दोस्तों सिंपल यहाँ पे तीन चार बातें उठती हैं। अगर आपको DLSS चाहिए, अगर आपको रे ट्रेसिंग चाहिए, तो आप RTX कार्डों के संग जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपको ओनली परफॉर्मेंस चाहिए वो भी कम प्राइस रेंज पे, तो आप AMD के साथ जाओ। क्योंकि तो अगर आप यहाँ पे $400 भी खर्च करते हो, यहाँ पे अगर आप $400 भी खर्च करते हो XT वाले मॉडल के लिए, तो वो सुपर से नीचे नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वो सुपर के जितना आ जाएगा स्कोर में, लेकिन उससे नीचे नहीं जाएगा। कुछ गेम्स में हमने देखा कि XT वाला मॉडल सुपर से बिल्कुल बराबर है। ये देखिए, जैसे ये रहा XT वाला मॉडल 2070 और ये 2060 सुपर, RX 5700 XT वाला मॉडल और ये 2060 सुपर, दोनों बराबर से हैं तीन चार, तब भी जो लीड है वो RX 5700 XT के पास ही है। तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, अगर आप प्योर परफॉर्मेंस चाहते हो बिना DLSS और रे ट्रेसिंग के साथ, तो आप AMD की तरफ जाओ, ठीक है। और अगर आपका बजट कम है तो आप AMD की तरफ पक्का जाओ, RX 5700 के साथ जाओ, ये काफ़ी अच्छा कार्ड है, 2060 के बराबर ही है और बहुत से गेम में उससे ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, ऐसे DLSS चाहिए, आपको रे ट्रेसिंग चाहिए, ठीक है, तो आप जाओ 2060 सुपर के साथ। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।